हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, ये तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और आगे आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। हाँ, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे छुटकू है, आस्तिक है, बैठा हुआ है, पापा से बातें कर रहा है, पापा उससे बातें कर रहे हैं। ऐसे ही रास्ता हमारा मौज मस्ती करते हुए कट गया। और ये यहाँ पे ना, मतलब हम जहाँ से जाते हैं वहाँ पे एक जमुना जी पड़ती हैं, तो जमुना मैया, तो वहीं से हम लोग निकल रहे हैं पुल से। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि अभी बारिश का टाइम था, तो इस वजह से यहाँ पे जमुना जी का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, और उसकी वजह से बहुत सारे गांवों में भी पानी आ गया था, जिससे बहुत सारी खेती को भी नुकसान हुआ है। और बस हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बेटू के बारे में बात कर रहे हैं। बेटू ने, जब हम लास्ट टाइम जब हम गए थे शादी में, तो बेटू ने ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की थी, और जिसकी वजह से हम सब लोगों के ना कपड़े गंदे हो गए थे। तो हम वही सब बातें कर रहे हैं, बेटू की हंसी मजाक, बेटू का मजाक उड़ा रहे हैं। और यहाँ पर जब हम आधे रास्ते पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब बादल थे बहुत ज़्यादा, और बारिश स्टार्ट होने वाली थी, तो इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी कि मतलब रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने वाला इंसान कोई आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सामने से ही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये जो सामने दिख रहा है, ये मेरी बुआ जी का घर है, और हम लोग अब बुआ जी के घर पे बैठे हुए हैं अंदर रूम में। और मैं जो है ना अपनी ननंद के यहाँ पे आई हूँ, ननंद के जो बेटा हुआ है उसके ना फंक्शन है, तो मैं उन्हीं के घर पे आई हूँ फंक्शन में। तो अभी आपको सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किस लिए आई हूँ और कहाँ आई हूँ। तो इसके बाद अभी हम बुआ के घर पे हैं, बुआ के घर से थोड़ी ही दूर पर ननंद का घर है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे अभी। बस ये देखिए, दीक्षा और चुन्नू है, वो बातें कर रहे हैं, अपनी वीडियो देबू की और आस्तिक की वीडियो दिखा रहे हैं, तो वही बातें चल। अब हम लोग दीदी के घर के लिए निकल चुके हैं, और ये दीदी के घर के लिए जब जाते हैं तो रास्ता है, सॉरी वो बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं, और ये रास्ता है दीदी के घर के जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे घर पहुंच के।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे, और ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, चाय वगैरह कर रहे हैं, चाय नाश्ता पानी, और ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये दीदी हैं, बाबू को लिए हैं, और ये किसी से बात कर रही हैं। तो देखिए इंजॉय कीजिए। अरे खा लेने दो ना, अभी सब लोग बैठे होंगे, खाना सब लोग बैठे होंगे अभी खाना खाने। रुक जा, फोटो खा जाओ, फोटो। ए ले में तो आ लो, कचौड़ी सब साफ कर चुके, कलू खा रहे बैठे। कलू काका मिलो। तो दीदी के घर से हम लोग वापस आ गए और बुआ जी के घर पे आ गए। चैनल लोड जी, नींद ने भी वीडियो बता रही है अगर कौन सी प्रैंक की डाली थी। तो ये देखिए यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है बाप बेटे का, और देखिए कैसे किस स्टाइल में फोटो खिंचाई जा रही है, आप लोग खुद देखिए। हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, बस निकलने ही वाले हैं। और ये देखिए गाड़ी में ये किस तरीके से बैठा हुआ था शांति से, तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप ले ली कि मतलब ये कभी कभी इतना शांत रहता है, तो वही मैंने इसकी वीडियो बनाई, देखना। तो ये हुआ हमारे साथ में लौटते वक्त, और हमारी गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो चुका था, और हम लोग हाईवे पर खड़े हुए हैं। तो जब तक टायर वगैरह चेंज किया उसके बाद में, और पंचर वगैरह जुड़ाया, हवा भराई, उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले, और तब तक हम लोग वहीं खड़े रहे। हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह किया और बस थोड़ी सी बनाई थी, बस फिर हम लोग निकल गए थे। और अगली डेस्टिनेशन हम कहाँ पहुँचे वो आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखते रहिए। देखिए हम लोग बहुत परेशानी हो जाती है ऐसे टाइम पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो बस यही है कि बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बड़े हों तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बच्चों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो बात अरब चले छाई में, या फिर वहाँ है वो देखो सामने। आओ इधर आओ, चुनो नलवा लिए छुट्टू को, देख हम तुम्हारी फोटो खींचे दो हम खड़े। हाँ पापा के पास जाना, हाँ वो नाला है उतना देखो। जब जब कम जाता ये लोग इतने रील्स के दीवाने हैं कि बोला आस्तिक बोला कि मेरी वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के लेके यहाँ पे कपड़े सही कर रहे थे चुन्नू, और चुन्नू ने उसकी पैंट ही उतार दी नीचे, तो वही सही कर रहा है अब, दोबारा वो रोने लगा था। तो ये देखिए आप चलिए सही होगी। और हमारी ये सेकंड डेस्टिनेशन है, हमारी है बुआ जी के घर पे, पूनम बुआ जी के घर पे आए हैं हम लोग। छोटी वाली बुआ जी जो हैं वो रास्ते में दिबियापुर में रहती हैं, तो वहीं पर आए हैं, और यहाँ पर हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे, बस थोड़ी देर रुके थे, हमने चाय वगैरह पी और फिर हम चले गए थे, निकल गए थे क्योंकि हमको लेट हो रहा था जाने के लिए, तो इसी वजह से। यहाँ पे बुआ जी हम लोगों के लिए चाय बना रही हैं, तो उन्हीं से बात कर रही थी मैं, और चाय बनाने के बाद हम लोग चाय पी के निकल गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग मौसी जी के घर पे भी गए थे, लेकिन वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, इतनी वीडियो शूट कर पाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।